हेलो जेंटलमैन कैडेट्स, माय नेम इज आर्यन शर्मा और आज मैं आप लोगों के लेके आ गया हूँ पूरी सीडीएस एनडी के लिए प्लेलिस्ट। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, हमारा जीएस इंडिया डिफेंस एकेडमी करके चैनल है, तो इस पे हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलाने जा रहे हैं। ठीक है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, मैं आर्यन शर्मा अपने बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने सीडीएस क्वालिफाई कर रखा है मल्टीपल टाइम्स, एफटेट क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, पीएचडी चल रही है, यूजीसी नेट एंड ऑल। आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे नई नई चीज़ें शुरू होंगी। ठीक है, तो हम हिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं। हिस्ट्री में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो हम पूरे पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, करंट अफेयर। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। चलो सो देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, एज आई कैन से, ठीक है, जो कोई भी एनडीए, आरएमसी या आरएमएस सैनिक स्कूल या सीडीएस या एफकैट या सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री सबसे ज्यादा वेटेज कवर करती है, अगर सबसे ज्यादा भी तो नहीं, लेकिन 20 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन हिस्ट्री से हमेशा आते हैं। ठीक है, अगर मैं ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स की बात करूँ, सीडीएस वगैरह की, ठीक है, तो इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले एक बात और, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप और पीडीएफ का लिंक आ रहा होगा, वहां पर जाके आप इसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलो ये देखो, ये क्या दिख रहा है, ये मैप है। ठीक है, ये जो मैंने मैप लगाया है, बेसिकली ये मैप डिनोट करता है किसको, कि ज्योग्राफिकल लोकेशन कितनी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, तो इस पूरे एरिया में हमारी कौन सी सिविलाइजेशन एक्सपेंड थी, वो थी आपकी इंडस वैली। ठीक है, इस पूरे एरिया में कौन सी सिविलाइजेशन बस रखी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो इंडस रिवर के किनारे बसी थी, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, इसको एक और चीज बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम, इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अब हम उसे पूछ सकते हैं, सर कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सबसे पहली सिटी खोजी गई थी कौन सी थी, हड़प्पा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हड़प्पा। जैसे आज के टाइम पर दिल्ली है इंडिया के लिए, ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा थी किसके लिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए पूरे। ठीक है, तो ये देखो, इंडस वैली इज वन ऑफ द फोर अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसके साथ जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन बताई जाती हैं वो कौन कौन सी थी, एक थी आपकी मेसोपोटामिया, जिसको हम आज का इराक बोलते हैं, दो रिवर के किनारे बस रखा था, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। दूसरी थी इजिप्ट, जो नाइल रिवर के किनारे थी। तीसरी थी चाइना और चौथी खुद इंडस वैली। ठीक है, और इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, दिस इज पीवाईक्यू फॉर द एनडीए सीएपी एंड सीडीएस, ये तीनों में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये था कि इंडस वैली कौन सी एज की थी, तो इंडस वैली थी आपकी ब्रॉन्ज एज की। ठीक है, और ये फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी। यहां से दूसरा क्वेश्चन बन गया, दिस इज अ फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, क्यों वो मैं आपके आगे बताऊंगा वाई, लेकिन ये याद रखना, फर्स्ट सिविलाइजेशन विच इज फुल्ली अर्बनाइज्ड। ठीक है, दयाराम सैनी ने इंडस वैली की जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है हड़प्पा, उसको 1921 में क्या करा था, खोजा था। ठीक है, आर डी बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा था, और मोहनजोदड़ो को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं माउंट ऑफ द डेड। और माउंट ऑफ द डेड बोलने का रीजन ये है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब आर्यंस ने सिविलाइजेशन पर अटैक करा था, डेक्लाइन में हम आर्यन थ्योरी पढ़ते हैं, बेसिकली आर्यंस ने जब आर्यन सेंट्रल एशिया से आके मोहनजोदड़ो पर अटैक करा था, तो वहां पर माउंट ऑफ डेड, माउंट मतलब क्या होता है, ऊंचा, डेड मतलब डेड बॉडीज, इस तरीके से उसको माउंट ऑफ द डेड बोला गया, जितना मैंने पढ़ा है। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन नेम आफ्टर द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट हड़प्पा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन एज मोस्ट ऑफ द साइट्स हैव बीन फाउंड अलोंग द इंडस सरस्वती रिवर, इसके साथ ही एक और रिवर बहती थी सरस्वती, जो अब डिसअपीयर हो गई है। ठीक है, वो डिसअपीयर हो गए, तो इसको याद रखा जाए। ठीक है, और ये जो नाम है, ये फोटो है आर डी बैनर्जी की। आर डी बैनर्जी वो इंसान थे जिन्होंने 1922 में किसकी खोज करी थी, मोहनजोदड़ो की, और दयाराम सैनी 1921 में किसकी खोज करी थी, इन्होंने खोज करी थी दयाराम सैनी ने हड़प्पा की। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक और चीज बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, जो हमारे फर्स्ट, देखो दो तीन क्वेश्चन ऐसे मैं बताना चाहता हूँ जो आते हैं, जो हमारे फर्स्ट
ASI जर्नल थे, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो हेड थे, जिन्होंने इस चीज की शुरुआत करी थी, वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, ये PYQ है, ठीक है। और जिनके टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई थी, वो थे हमारे जॉन मार्शल, ठीक है। जॉन मार्शल उस टाइम 1924 में क्या थे? ASI के जनरल थे। और इन्होंने दुनिया के सामने ये प्रूफ कर दिया था, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम दुनिया को आज से 2500-3000 साल पीछे ले जा चुके हैं। मतलब इतनी बड़ी खोज थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, गाइस अगर मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी खोज थी, कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि हम दुनिया को 2500-3000 साल पीछे ले जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि इतनी चीजें मिली थी, ठीक है। तो ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। अब सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो देखो जैसे आज के टाइम पे अगर मैं एग्जांपल दूं, स्टार्ट करने से पहले मुझे एक चीज बताओ, कई शहर ऐसे होते हैं जो पहले गांव थे, होते होंगे ऑब्वियस सी बात है, कई शहर पहले ऐसे थे जो पहले गांव थे, फिर वो कस्बा बने, आज वो शहर बन गए हैं। इसी तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी फेसेस थे, जिसमें हमारा सबसे पहला फेज था अर्ली फेज, दूसरा था मैच्योर फेज, और तीसरा था लेट फेज। लेकिन हम जिस पे सबसे ज्यादा एम्फसाइज करते हैं वो था मैच्योर फेज। अभी कई शहर ऐसे हैं जो आज से 50 साल पहले गांव रहे होंगे इंडिया में। इसी तरीके से समझो कि ट्रांजिशन पीरियड जो होता है, पहले गांव बना, फिर वो कस्बा बना, और वो प्रॉपर एक शहर डेवलप हो गया। इसी तरीके से सिविलाइजेशन में भी कई जगह थी जिसमें अर्ली फेज में कुछ हमारी IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट थी, जिसमें कालीबंगन, धोलावीरा, हड़प्पा, बालाकोट, अम्बरी, ठीक है। फिर आके हम आ जाते हैं मैच्योर फेज में। मैच्योर फेज में 4-8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में पूरी सिविलाइजेशन फैल रही थी। और यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन में यहाँ से बताता हूँ आपको क्या बनता है। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि सबसे नॉर्दर्न साइड कौन सी थी सिविलाइजेशन की, सबसे साउदर्न साइड कौन सी थी, सबसे ईस्टर्न साइड कौन सी थी, और सबसे वेस्टर्न साइड कौन सी थी। तो जो सबसे साउदर्न साइड थी वो थी आपकी दहमताबाद महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखना। और जो आपकी सबसे नॉर्दर्न साइड थी वो थी आपकी मांडा, जो आज भी है जम्मू में। सबसे वेस्टर्न साइड थी आपकी सुतकिंदौर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में आज के टाइम पे। और ये क्या है? एक पोर्ट सिटी है, तो इसको पोर्ट सिटी और सबसे वेस्टर्न साइड के नाम से याद रख सकते हो, ठीक है। और सबसे ईस्टर्न साइड जो थी वो थी आपकी आलमगीरपुर, जो कहाँ है? UP में, ठीक है। लेट फेज में क्या होता है? सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होता है, जिसमें आर्यन थ्योरी बहुत प्रिवेल है, ठीक है। आर्यन थ्योरी बहुत प्रिवेल है, ये मैंने एक छोटा सा मैप लगाया था जिसमें आप समझ सकते हो, ठीक है। इंडस वैली है का अर्ली फेज, यहाँ से ट्रांजेक्शन होता है, मैच्योर फेज में आता है, फिर क्या होता है? लेट फेज में आता है, ठीक है। चलो आगे, आई होप यू ऑल गॉट इट, कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लग रहा है। मैंने एक स्टेटमेंट बताई थी आपको सबसे पहले इनिशियल फेजेस में, कि फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन बोला गया इंडस वैली को। क्यों बोला गया, मैंने आपको बोला था बाद में बताऊंगा, वो बताने का टाइम अब आ चुका है, ठीक है। पहला रीजन, टाउन प्लानिंग। अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है, मुझे पहले ये बताओ। टाउन प्लानिंग तो ठीक है, टाउन की प्लानिंग तो आज भी करी जाती है ना। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इसलिए बोला गया गाइस, क्यों? क्योंकि आज के हिसाब से जो हम एक शहर में, एक जो शहर की रिक्वायरमेंट होती है, जिस एरिया को हम अर्बन बोलते हैं, उस एरिया और वो चीजें, वो पूरा स्ट्रक्चर आज से 5000-4000 साल पहले भी था, इसलिए अर्बन बोला गया। अर्बन की डेफिनेशन तो हम लोगों ने दी ना, अर्बन बोलने का रीजन था क्यों? क्योंकि जो स्ट्रक्चर, जो टाउन प्लानिंग, जो ड्रेनेज सिस्टम, जो ग्रिड पैटर्न हम आज फॉलो कर रहे हैं, सब बाद में बताऊंगा, वो आज से 5000 साल पहले था, इसलिए इसको अर्बन बोला गया। तो जिसमें इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल था वो था टाउन प्लानिंग, ठीक है, टाउन प्लानिंग। और देखो टाउन प्लानिंग में तुम एक चीज देखो, मतलब इतनी अच्छी टाउन प्लानिंग थी, आज के शहरों की भी टाउन प्लानिंग इतनी अच्छी थी, इतना अच्छा टाउन प्लान कर रखा था। आज देखो बारिश हो जाती, एकदम पानी भर जाता है रोडों पे, ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। यहाँ टाउन प्लानिंग की बात हो रही है, ठीक है। सिटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था, अगर ये फोटो देख रहे हो, मैंने ये फोटो इसलिए लगाई है, सिटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था, ठीक है। एक था आपका हाउस ऑफ कॉमन पीपल और दूसरा था आपका सिटाडल, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन था। अब मुझसे पूछ सकते हो सर ये क्या हुआ, कॉमन पीपल, सिटाडल। जैसे एक शहर में, अगर मैं आज के टाइम पे एग्जाम्पल दूं, जैसे आज के एक शहर में एक ऐसा एरिया होता है जो, जिसको हम पॉश एरिया बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, या वो लोग रहते हैं जो इस शहर के बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, है ना। बाकी पूरा शहर होता है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पर उस शहर के
पॉश वाले एरिया में वो लोग रहते हैं जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं शहर के। सेम इस तरह का पैटर्न वहां फॉलो होता था कि एक एरिया होता था हाउस ऑफ कॉमन पीपल, जैसे पूरा शहर, फिर जो उसमें एक पर्टिकुलर एरिया होता था जो चारों तरफ से बंद था, किला बंद था, जिसको हम फोर्टिफाइड बोलते हैं, वो था सिटाडेल, जिसको हम अपर टाउन भी बोलते थे। अपर टाउन ऐसा बोलते हैं कि उस एरिया में उस टाइम जो थे प्रीस्ट किंग रहते थे या उस एरिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग रहते थे। बाकी जो बचे एरिया, जो पूरा बाकी शहर का एरिया, उसका बोलते थे लोअर टाउन। ठीक है, क्या बोलते थे? लोअर टाउन। कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लग रहा है। ठीक है, अब देखो, शहर में एंटर करने के लिए गेटवे था, यहां से सिटाडेल के अंदर एंटर करने के लिए एक और गेटवे था, और ऐसे जो घर बन रखे थे, ठीक है इनके साइड से यहां से ड्रेनेज सिस्टम जाता था, ये ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, सिटी को चारों तरफ से वॉल कर रखा था, इतनी अर्बनाइज, इतना प्लान, वेल प्लान्ड एरिया था। इस वजह से इसको टाउन प्लानिंग को क्या बोला गया? अर्बनाइज्ड। और इसी को इसको क्या बोला गया? फर्स्ट अर्बन सिटी। डिवीजन ऑफ सिटी में देख लो, रेस पार्ट जिसको हम बोलते थे सिटाडेल, मैंने बता दिया ऊंचा था थोड़ा, एक्चुअली थोड़े ऊंचे और नीचे पे बन रखे थे, यहाँ पर अपर टाउन था, यहाँ लोअर टाउन था, तो एक सोसाइटी हायरार्की सिस्टम था, कंसिस्ट ऑफ हाउसिंग फॉर रूलर्स एंड इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स सच एज ग्रीनरी, वर्कशॉप्स। इट वॉज मोस्टली सिचुएटेड वेस्ट ऑफ द सिटी। ठीक है, सिटीज के सबसे ज्यादा कहाँ? वेस्ट साइड पे बसते थे। और लोअर टाउन कौन से साइड में थी? ईस्टर्न साइड में। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी? ये चीजें शो करती थी कि सोसाइटी में क्या था? हायरार्की थी, क्लास हायरार्की थी, सोशल हायरार्की थी, कास्ट हायरार्की नहीं थी, क्लास सोशल हायरार्की थी, कि वी आर दिस, लाइक व्यापारी, मर्चेंट्स, आप कॉमन पीपल हो, ठीक है, आप ये हो, इस तरीके से पूरी हायरार्की थी। एंड ऑल्सो पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेयर वॉज सेपरेटेड, जो पब्लिक यूजे थी, जो प्राइवेट चीजें थी, वो क्या थी? सेपरेटेड थी। तो इसकी सिग्निफिकेंस यहाँ बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चला? हमें इससे पता चला कि सोशल हायरार्की थी, ठीक है, और जो डाउन प्लानिंग थी उसमें दो पार्ट में डिवाइड था, एक था आपका लोअर टाउन, एक था आपका अपर टाउन। ठीक है, टाउन प्लानिंग कुछ इस तरीके से थी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वो रीजन है जिससे इसको हम फर्स्ट अर्बनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आता है स्ट्रीट। स्ट्रीट में एक पैटर्न फॉलो होता था, ग्रिड पैटर्न, ठीक है, जो राइट एंगल पे कटता था। अब मैं तुम्हें बताता हूं, देखो, हर सोसाइटी, हर एरिया में जहां आप लोग भी रहते होंगे, वहां पर सोसाइटी है, एरिया है, लोग रहते हैं, ठीक है, कॉलोनीज होती हैं, वो फॉलो हम आज भी करते हैं। एक पैटर्न होता है ऐसे, देखो ऐसे, मतलब अगर मैं ऐसे करूँ, ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, सोसाइटी डिवाइड होती है, ये जो एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री, और इसी को बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। ये देखो मैंने लगा भी रखी है फोटो, अगर दिख रहा होगा, ये देखो, ये 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 ये, ये 90 डिग्री वाला जो होता था ग्रिड पैटर्न बोलते थे। तो यहाँ पूरी कॉलोनी को क्या कर रखा था? सिस्टम इस तरीके से बैठा रखा था, कौन से पैटर्न के अंदर? तहत ग्रिड पैटर्न को, ग्रिड सिस्टम के तहत। ठीक है, इसलिए स्ट्रीट जो थी राइट एंगल्स पे कटती थी, जिसको ग्रिड पैटर्न बोला गया। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या? देखो, इट शोज द एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ मेजरमेंट एंड अर्बन प्लानिंग ऑफ द हड़प्पन पीपल्स। ठीक है, हड़प्पन पीपल्स की क्या दिखाता था? हड़प्पन पीपल्स की दिखाता था कि उनको मेजरमेंट की नॉलेज थी, उनको पता था कि सोसाइटी कैसे चलनी चाहिए, उनको मेजर करना आता था, तभी उन्होंने 90 डिग्रीज पे ऐसी चीजें कर रखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप लोगों को भी पता है, किसी भी जगह के लिए ड्रेनेज पैटर्न बहुत बड़ा रोल निभाता है। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम जो था वो सारे हाउसों से कनेक्टेड था, और उसमें यूज होता था मोर्टार, लाइम और जिप्सम का। अब मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये क्या होता? आज के टाइम पे जो सीमेंट के बड़े बड़े वो नहीं रख देते, कॉन्क्रीट कैसे बना के रख देते, इस तरीके से कुछ था, जिसमें चूना, देखा नहीं जब घर बनते तो घोल बनाते हैं, ठीक है, उसमें पानी डालते हैं, उन सब को ही बोला जाता है ये सब। ठीक है, इससे क्या होता था? घर का एंगल ऐसा होता था, देखो अगर मैं तुम्हें फोटो में दिखाऊं, ऐसे देखो ये कट रहा है, ये इनकी बात हो रही है, जिसके मोटा जिप्सम और लाइम बनता था कि वो है, ठीक है, ऐसे स्लेप हो जाती थी और इसके नीचे से पूरा ड्रेनेज पैटर्न निकलता था। इस वजह से इसको क्या बोला गया? फर्स्ट अर्बनाइजेशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ठीक है, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी? पे अटेंशन टू द हेल्थ एंड सैनिटेशन। लोग अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देते थे, क्यों भाई? ड्रेनेज पैटर्न अच्छा नहीं होगा तो लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी ना, बीमारी होने के ज्यादा खतरे हैं, गंदगी निकलती है पूरी घर की पानी के थ्रू, ठीक है, तो ड्रेनेज पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आते हैं हाउसेस। हाउस कैसे थे? हाउसेस टू और मोर स्टोरीज, मतलब दो फ्लोर होते थे। देख रहा है फोटो दिख रही है? ये देखो यहाँ से सीढ़ियाँ है, फिर ये ऊपर आने का रास्ता, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ग्राउंड फ्लोर हो गया, इसको इस तरह के हाउसेस होते थे। ये पैटर्न हम आज भी फॉलो करते हैं, इसलिए इसको अर्बनाइजेशन बोला गया।
ठीक है, विंडो फेस नहीं थी डायरेक्ट स्ट्रीट को, ठीक है, प्राइवेसी की वजह से, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल्स कौन कौन से यूज करे जाते थे, बर्न ब्रिक्स, जो बर्न ब्रिक्स होती ना उनको भट्टी में बना के करा जाता है, वो यूज करी जाती थी, वो भी एक पर्टिकुलर रेशियो पे, ठीक है, पर्टिकुलर रेशियो पे। और ये चीज शो करता था कि सेंट्रलाइज्ड वेट्स और मेजरमेंट्स की बहुत नॉलेज थी सिविलाइजेशन के लोगों को, उनको पता था कि कितना मेजर करना है, कितना उठाना है, कितना वेट है, सब कुछ, ठीक है। इससे ये पता था कि वो लोग लिटरेट भी थे, ठीक है। और ये, हाँ एक सेकेंड, ये देखो ये ब्रिक की फोटो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमी। इकोनॉमी जो थी पूरी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, ठीक है। इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, भाई एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। इंडिया में आज भी एग्रीकल्चर बहुत बड़ा रोल निभाता है देश की इकोनॉमी में, ठीक है। जो मिडिल क्लास या जो गांव के एरिया के लोग हैं वो आज भी एग्रीकल्चर करते हैं, सर्विस सेक्टर आज भी कम है, एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा है। वैसे वैसे टाइम के हिसाब से टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है लेकिन फिर भी होता है ना। तो एग्रीकल्चर क्या थी, बैकबोन थी किसकी, सिविलाइजेशन की, ठीक है। और जो रिवर इंडस थी उसके किनारे की जो सॉयल थी बहुत फर्टाइल थी, इस वजह से वहां पर एग्रीकल्चर ज्यादा करा जाता था। आज भी अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, जो गंगा डूब वाला एरिया जहां यूपी पूरा बसा है, वहां की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। वहां की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होने का रीजन यही है, क्यों, क्योंकि वो पूरा एरिया क्या, सॉयल से फर्टाइल है, तभी तो वहां सबसे ज्यादा खेती होती है। इसलिए एग्रीकल्चर क्या था, सोर्स ऑफ इनकम था, मेन इकोनॉमी का पार्ट था। और वुडन प्लगशेयर यूज करा जाता था, लकड़ी वाले जिससे मिट्टी खोदते हैं ना, आज के टाइम पे तो ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करने लग गए हैं, ठीक है। इवन बैलों का यूज होता है, लोहे के होते हैं, उस टाइम लकड़ी का होता था, ठीक है। और प्लगशेयर फील्ड कहाँ मिले, काले मंगल में, क्वेश्चन बन गया। देखो ऐसे क्वेश्चन क्रिएट करके चलना है, ठीक है। क्रॉप्स कौन कौन सी उगाई जाती थी, भाई बीट, बरले, डेट्स, पीज, सीसम, मस्टर्ड, मिलेट, रागी, ये सारी चीजें उगाई जाती थी, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस करा था, वर्ल्ड कॉटन प्रोड्यूस करा था, ठीक है। और कॉटन को ग्रीक में बोलते थे सिंडन, ठीक है, सिंडन। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, ये चीज शो करता था कि एडवांसमेंट ऑफ हड़प्पन इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, क्यों एडवांसमेंट कैसे, क्यों, क्योंकि वो वुडन प्लगशेयर यूज करते थे, वेल इरीगेशन चीजें थी, अलादीनो में मिले, ठीक है, धोलावीरा में भी मिले, डैम्स मिले, इरीगेशन कैनल्स मिली है। तो यहां से देखो क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन ये पूछा गया था सीडीएस में कि, क्वेश्चन ये पूछा गया था सीडीएस में कि धोलावीरा में किस चीज के लिए फेमस था, तो वहां पर डैम्स एंड इरीगेशन कैनल्स मिली है, ठीक है। धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में, गुजरात में है। और इंडिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन की क्या है, सिटी है, क्योंकि पार्टीशन के बाद जो बड़ी बड़ी है शहर थे वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान में। इंडिया की साइड में जो सबसे बड़ा है वो है धोलावीरा, कभी जाना, विजिट करना, बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, क्या क्या मैन्युफैक्चर होता था। टेराकोटा, टेराकोटा मतलब बेसिकली होता है क्या, चिकनी मिट्टी, उसके जो फिगर्स बनते थे जिसमें एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों होते थे, ठीक है। फीमेल फिगर ज्यादा मिली है मेल डिटीज के अलावा, ठीक है। और इसमें बैंगल्स और सील्स बनाई जाती थी, सील्स होती हैं ऐसी सील्स, आगे दिखाऊंगा फोटो, देखो ये सील्स की फोटो मैंने लगाई है, ये सील्स, ठीक है। सील्स पे कभी ह्यूमन की फोटो नहीं होती थी, हमेशा एनिमल की फोटो होती थी। और एक बहुत फेमस एनिमल था जिसकी फोटो ज्यादातर मिलती थी, एक था यूनिकॉर्न, एक सिंह वाला घोड़ा, ठीक है, एक सिंह होता था उसको, ठीक है। आर्ट ऑफ बीड मेकिंग, बीड मतलब होता है माला, ठीक है। सबसे ज्यादा फेमस जगह कौन सी थी, चन्नोदारो और लोथाल, ठीक है, चन्नोदारो और लोथाल। लोथाल आज पाकिस्तान, लोथाल आज गुजरात में है और चन्नोदारो इंडिया, पाकिस्तान में है, ठीक है। ज्वेलरी और सिल्वर गोल्ड की ज्वेलरी बनती थी, ठीक है। अलादीनो एक जगह है, वहां पर नेकलेस बनते थे सेमी प्रीशियस स्टोन्स के, प्रीशियस स्टोन क्या होते हैं, जो सबसे प्रीशियस होते हैं, महंगे होते हैं, सेमी प्रीशियस जो इजिली मिल जाते हैं, ठीक है, मतलब कॉस्ट होती है लेकिन ज्यादा महंगे नहीं होते, ठीक है। हड़प्पन के टाइम पे आयरन था नहीं, बट वो मेटल और मेटल यूज करते थे जिसमें कॉपर, ब्राउन, सिल्वर और गोल्ड आता था, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या क्या थी इनकी, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ टेराकोटा आर्टिकल्स, टेराकोटा मतलब होता है चिकनी मिट्टी की चीजें जो बनती है, कॉमन पीपल यूज कर सकते थे। ऑब्वियसली बात है ना, किसी भी चीज को जो कॉमन पीपल यूज कर सकता है तभी उसकी मार्केट में डिमांड होगी, तो उसी हिसाब से वो चीजें बनाते थे। महंगी चीजें तो बनती थी उस टाइम भी, महंगी चीजें उस टाइम भी बनती थी, लेकिन महंगी चीजों का शीन ऐसा था कि उसको सिर्फ हाई क्लास के लोग ले सकते थे, सिटाडल के लोग खरीद सकते थे, जो इंफ्लुएंशियल लोग होते थे वो लोग खरीद सकते थे, ठीक है। स्पेशलाइजेशन क्या थी, गोल्ड स्मिथ, ब्राउन स्मिथ और ब्रिक मेकर्स, ठीक है। कॉपर आर्टिफैक्ट डू नॉट मीन टू टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, बट इट वॉज अ कल्चरल प्रेफरेंस। जो कॉपर के आर्टिफैक्ट्स बनते थे उसका मैटर ये नहीं था कि लोग वो कल्चरली बैकवर्ड है, वो क्या था, उनके ट्रेडिशन में था, ठीक है। तो हमने इससे क्या सीखा, बेसिकली इसमें क्या बीड मेकिंग होती थी, ठीक है, ज्वेलरी बनती थी,
ठीक है, इस तरह की चीजें ज्यादा प्रीवियल थी, सील्स बनती थी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे वो थे चनुदारो और लोथाल। ठीक है, चलो पोल्ट्री। पोल्ट्री इन आईवीसी, द हड़प्पन यूज रेड ब्लैक। देखो क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कौन सी पोल्ट्री यूज करी जाती थी बेसिकली उस टाइम पे, तो वो कौन सी थी, रेड एंड ब्लैक पोल्ट्री। ठीक है, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, इट शोज द एक्सपर्टीज ऑफ हड़प्पन इन पोल्ट्री मेकिंग ग्लेज़ेड पोल्ट्री इनसाइड द पोल्ट्री परफॉर्मेड पोल्ट्री। ठीक है, बेसिकली बात यहाँ ये हो रही है कि जो हड़प्पन लोग थे वो किसमें एक्सपर्ट थे, पोल्ट्री बनाने में, जो पोल्ट्री होते ना, देख रहे हो, ठीक है, एक पे तो डिजाइन बनता था, बुल बन रखा है देखो, ठीक है, और एक प्लेन होती थी, तो इन चीजों में वो एक्सपर्ट्स थे, बेसिकली इन चीजों में क्या थे, एक्सपर्ट्स थे। अब ट्रेड, ट्रेड किसी भी देश के लिए ट्रेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, होती है नहीं होती, तो सेम फॉर दैट ट्रेड। अभी जो मैंने फोटो लगाई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लैपिस लाजुली है, लैपिस लाजुली सबसे प्रीशियस स्टोन, जो शॉर्ट तो वही एक जगह है अफगानिस्तान में, उस टाइम पे एक साइड थी वहां मिलता था, ठीक है, शॉर्ट तो वही। ठीक है, तो ट्रेड किन किन के साथ होता था इनका, ठीक है, ट्रेड किन किन के साथ होता, हड़प्पन हैड ट्रेड विद द मेसोपोटामियन, जिसको बोलते हैं सुमेरिया उस टाइम पे, सेंट्रल एशिया, पर्शिया, अफगानिस्तान, मकन एंड दिलमुन, बहरान को क्या बोला जाता था, दिलमुन। ठीक है, और जो ट्रेड के लिए सिस्टम यूज करा जाता था वो होता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में बेसिकली होता है एक्सचेंज ऑफ सर्विस रैदर देन एक्सचेंज ऑफ करेंसी, आप सर्विस के बदले मुझे सर्विस दो। ठीक है, अगर आपने मान लो आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो तो वो स्किल से मुझे कुछ दो, मैं आपको दो अनाज की बोरी दूंगा, ये बार्टर सिस्टम का सिस्टम होता था। और जो आइटम एक्सपोर्ट्स करे जाते थे, ठीक है, उसमें आता था टीक, ठीक है, जो गुजरात से लिया जाता था, अमेज़नाइट, ये सारे हीरे हैं, ठीक है, ये सारे स्टोन्स हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने देखा होगा ब्रेसलेट्स बनते हैं कई जगहों के, कई उनके, तो वही चीजें होती थी, स्लेट कांगड़ा में, लेड कश्मीर, कॉपर बलूचिस्तान, इंपोर्ट क्या क्या करा जाता था, जेड, टर्क्वाइज, लैपिस लाजुली मैंने बताया आपको, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, टिन, सिटेटाइड। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या थी, इट शोज द एडवांस ट्रेड रिलेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन विद द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये चीजें शो करती है कि इंडिया अपने, इंडिया बोल रहा हूँ मैं, सिविलाइजेशन अपने फॉरेन रिलेशंस को भी क्या मेंटेन करके रखता था दूसरे कंट्रीज के साथ, किसके थ्रू, ट्रेड के थ्रू, जैसे हम आज फॉलो करते हैं। ठीक है, हड़प्पन सील्स फाउंड एट सूसा उर एंड नीपुर, जो मेसोपोटामिया में जगह है, ठीक है, फालेका बहरान में, क्यों, क्योंकि वहां सील्स मिली है, और अगर सील्स मिली है इसका मतलब यह है कि इनके बीच में कभी व्यापार हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, यही रीजन होते हैं, अगर किसी कंट्री में किसी देश को कुछ मिल रहा है, आप कहीं जाओ मेड इन पोलैंड, मेड इन इंडिया दिख जाएगा आपको, इंडिया में कितनी मेड इन यूएसए, मेड इन स्विट्जरलैंड मिलता है, मतलब हमारा ट्रेड होता है उनके साथ परफ्यूम्स में स्पेशली। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। ठीक है, ये वो मेसोपोटामिया सिलेंड्रिकल सील, सिलेंड्रिकल सील फाउंड एंड मोहनजोदारो शो द एक्सटेंसिव ट्रेड रिलेशन ऑफ आईवीसी विद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इसलिए मैंने फोटो लगाई, थोड़ी ब्लरी है, आर्काइव से ढूंढी थी बट मिल गई। ठीक है, ये मैंने लगा रखा है रूट, ये मैंने ट्रेड के लिए लगाया आप लोग, ताकि आप लोग समझ सको। देखो ये सिविलाइजेशन वाला एरिया है, यहाँ से ट्रेड शुरू होता था, यहाँ से ये पोर्ट सिटी होती थी, यहाँ से जाता था मेसोपोटामिया पर्शिया होते हुए, ठीक है, फिर बाय रूट, ठीक है, ऐसे घुसते थे ये लोग, फिर यहाँ से, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे समुद्र के थ्रू ऐसे जाते थे, तो ऐसे ट्रेड होता था। ठीक है, और ये लोथाल क्या थी, पोर्ट सिटी थी गुजरात में, तो उसका एक मैप है छोटा सा जो डिजिटली बनाया गया है। ठीक है, इसको देखो अच्छे से, वेट्स एंड मेजर्स, मैंने आपको पहले बताया था मेजरमेंट्स और वेट वो एक्सपर्ट्स थे। ठीक है, तो जो तोलना और क्यूब्स बनाना, वेट्स नहीं होते जब सब्जी खरीदते हैं कि 5 किलो, 2 किलो, 3 किलो का, 4 किलो का, 10 किलो का भी होता है, तो उसकी बात है। तो जो वेट्स में वो सिस्टम फॉलो करते थे वो था बाइनरी सिस्टम, मतलब 1, 2, 8, 16, 32 ऐसे करके कहाँ तक थे, 3200 तक। ठीक है, और वेट्स मेजर करने के लिए वो बेसिकली क्यूबिकल फॉर्म में होते थे, और किसके बनते थे, लाइमस्टोन और सिटेराइड के। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एक्यूरेसी, ताकि चीजें जितनी हैं उतनी ही मिले, एक स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड फिक्स था हर चीज का, ऐसे हाथ से तोल के अरे 10 किलो का है, 20 किलो का, ऐसा नहीं हो सकता था, पर्टिकुलर वेट्स फिक्स थे। ठीक है, पर्टिकुलर क्या थे, वेट्स फिक्स थे। आगे सील्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं अगर सील्स को कनेक्ट करूँ आज के टाइम से, जैसे आज के टाइम पे आपको इंडिया की, अगर भारत की बात करूँ, आप लोगों को परमिट की जरूरत पड़ती है ना पूरे ऑल इंडिया में घूमने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, तो बेसिकली यहाँ भी वही चीज़ थी, यहाँ भी वही चीज़ थी कि अगर आपको लोअर टाउन से अपर टाउन में व्यापार के लिए जाना है, या अपर टाउन में जाना है, या कहीं जाना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होती थी, सील्स।
कुछ चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, जैसे सरकारी पासपोर्ट अलग होता है सरकारी ऑफिसर्स का, कॉमन सिटीजन से ऐसे ही, ठीक है। ठीक है, ये देखो सील, सील्स पे मैंने बताया था एनिमल्स की फोटोज होती थी, ह्यूमंस की कभी नहीं होती थी। ये रहा एलिफेंट, ठीक है, ये रहा बुल, ये देखो डायनासोरस, ठीक है। सील्स आर मेड अप ऑफ सिटेटाइट, जो क्या होता था, सॉफ्ट स्टोन होता था, बहुत सॉफ्ट स्टोन होता था, उसकी सील बनती थी। सॉफ्ट स्टोन ही होगा क्योंकि इसको शेप लेनी पड़ती थी, फिर इसको शेप देने के बाद, इस पर शार्पनेस करने के बाद इसको सुखाया जाता था। शेप जनरली स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर, दो शेप की होती थी, ठीक है। हमलेस बुल बनता था। सिग्निफिकेंस क्या क्या थी, ग्रेट आर्टिस्टिक क्रिएशन एंड वर यूज टू मेक ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, बेसिकली उसे शो करता था कि इसको किस इंसान ने भी बनाया है, किस पर्पज के लिए बनाया गया है, ठीक है। इन ट्रेड, ट्रेड में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता था, बेसिकली ट्रेड के लिए होता था, ठीक है। क्योंकि आपको सील चाहिए दूसरे नगर से दूसरे नगर जाने के लिए, उस नगर के स्पेशल एरिया में जाने के लिए, तो आपको सील चाहिए, और आप दूसरे शहर जा रहे हो उतनी मेहनत करके, तो आप अपना सामान बेचने जा रहे हो ट्रेड में, दूसरे मुल्क जाने के लिए, दूसरी सिविलाइजेशन में जाने के लिए इन चीजों की कई बार जरूरत पड़ती थी, ठीक है। अब आती सोसाइटी, सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी में डिवीजन था, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, सोशल हायरार्की थी अपर टाउन और लोअर टाउन करके। सोसाइटी में कैसा था, हड़प्पन साइड वॉज एन अर्बन सोसाइटी एंड कंपेरिजन ऑफ लीज थ्री डिस्टिंग सोशल ग्रुप, ठीक है। तीन तरह के लोग रहते थे जो रूल करते थे उस एरिया को, जिसमें हम प्रीस्ट किंग का आगे पढ़ेंगे, रिच होते थे, मर्चेंट्स होते थे, और पुअर लोग होते थे, ठीक है। क्लोथिंग कैसी थी, हड़प्पन पीपल जनरली वेयर गारमेंट्स ऑफ कॉटन एंड वुल। देखो ये प्रीस्ट किंग की फोटो है, ऐसा बोलते ये रूलर था वहाँ का, ऐसी कहानी है, ठीक है, ऐसा। और जो कॉमन पीपल थे वो ऐसे ड्रेस पहनते थे, मेल की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली, ठीक है। और इसी के लिए मैंने ये फोटो लगाई है कि ये अपर टाउन, जिसमें तुम डिफ्रेंशिएट कर सको, ये अपर टाउन जो किला बंद है चारों तरफ से, ये एंट्री है, ये लोअर टाउन कॉमन पीपल, ठीक है। और इसमें डिवीजन सोसाइटी में कैसा, डिवीजन ऑफ लेबर था, स्पेशलाइजेशन इन हड़प्पा सोसाइटी, जिससे क्या होता था कि सोसाइटी का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही है, कि यहाँ पर रूल लोग हैं या रिच लोग हैं या मर्चेंट्स हैं या लोअर लोग हैं, ठीक है। क्लास बेस्ड, सोशल बेस्ड ज्यादा सोयर की थी, ठीक है, कास्ट सिस्टम कुछ था नहीं है। रिलीजियस एक्सपेक्ट से देखें तो एक सीन मिली है जिसको पशुपति महादेव बोला गया है, ये फोटो है, वो हम प्रोटोशिवा के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। थ्री हॉर्न हेड, जिनके तीन सिर हैं, ठीक है, एक येरा और एक येरा, जिनके दो हॉर्न है, ठीक है, योगिक पोस्चर में बैठे हैं, और इनको रिलेट करा जाता है ऋग्वेद के हमारे जो रुद्र रूप है शिव जी के, उनसे, ठीक है। और ये सराउंडेड किससे हैं, एलिफेंट टाइगर से और माइनोसॉरस से, इसी वजह से इनको पशुपतिनाथ बोला गया, क्यों, जो पशुओं के नाथ हैं, जो पशुओं के देवता हैं, जो पशुओं के गॉड है, ठीक है, इसलिए इनके सामने आसपास ही एनिमल्स हैं, ठीक है। और एक और चीज़ें होती थी, प्रिवलेंस ऑफ लिंगम एंड योनि, मतलब जो पेनिस होता है, जो फीमेल मेल और जो जेनिटल्स होते हैं, उनकी पूजा का प्रिवलेंस था बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऋग्वेद स्पीक्स नॉन आर्यंस पीपल, आर्यंस बाद में आए थे, ये नॉन आर्यंस थे, ठीक है। जिसको हम एक और वर्कशीप बोलते हैं लिंगम को, फेलगस, PHALLUS, याद रखना। चीफ फीमेल डिटी मिले हैं जिनको मदर गॉडेस बोला गया, ये प्रीस्ट किंग है, ठीक है, इनकी वर्कशिप करी जाती थी, वर्कशिप फायर। एंड पीपल ऑफ इंदस रीजन ऑल्सो वर्कशिप पीपल ट्री एंड एनिमल्स, क्यों, क्योंकि उनको तो सब कुछ वही चीज, नेचर ही उनको सब कुछ दे रहा है, तो उनकी वर्कशिप का थोड़ा प्रिवलेंस है। स्क्रिप्ट कैसी थी, स्क्रिप्ट में क्वेश्चन आ जाता है बेस्ट टू फिड ऑन, कैसी थी स्क्रिप्ट, बेस्ट टू फिड ऑन, जो यहाँ राइट से लिखना शुरू होता था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसको बोला गया बेस्ट टू फिड ऑन, ठीक है। पिक्टोग्राफिक थी, लेकिन अभी अच्छे से डेसिफर्ड नहीं हो पाई है, यार नॉट टू बी डेसिफर्ड, ठीक है, समझ नहीं पाए लोग अभी तक, लेकिन जो स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर था वो कैसा था, बेस्ट टू फिड ऑन था, ठीक है। ब्रूनल प्रैक्टिस, ब्रूनल प्रैक्टिस मतलब इंसानों को गाड़ना है। इसमें क्या होता था, जब इंसान की डेथ हो जाती थी, जो उसकी प्रीशियस चीजें होती थी उसके साथ रख दी जाती थी। इसी तौर पे एक चीज मिली है जिसको बीड बोला है, बीड मतलब माला, बीड फॉर्म, ये जो आपको स्केलेटन दिख रहा है इसके गले में, ये देखो बीड माला, ठीक है। तो ब्रूनल प्रैक्टिस में कुछ इस तरह की फॉलो रिचुअल्स है, और इनका ये मानना था बेसिकली कि हम जब मरे हुए इंसानों के साथ उनकी जो इंपॉर्टेंट चीजें रखते हैं वो उनके जीवन डेथ के बाद भी उनके साथ जाती, वो उनको तब यूज करते हैं आगे जाके लाइफ में, ठीक है। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इसमें तुम्हारा आता है रोपार, ठीक है, बानावाली, कोट डीजी, सुरकंडा, सुरकुदाटा, अलमगीरपुर, मांडा, रंगपुर, अलादीनो, आमरी, ये नाम याद रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के नाम है, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब तो मैंने बताई दिया था आपको, ठीक है। अब साइट्स आ रही हैं, ऐसी साइट्स हैं और उनके फीचर्स, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट थी वो कौन सी थी, हड़प्पा, जो रावी रिवर के किनारे थी, ठीक है। रावी क्या है, इट इज़ अ
ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस, ठीक है, जिसको सप्त सिंधु बोलते हैं, सप्त सिंधु क्योंकि ऐसी इसकी 6 ट्रिब्यूटरीज हैं इंक्लूडिंग इंदस। फीचर्स क्या थे, हड़प्पा के फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड ग्रीनरीज मिली है, गोदान होते हैं, गोदाम जहाँ पर राशन अनाज रखा जाता था, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ वीट ग्रेन्स, रेड स्टोन टॉर्सो, ये क्वेश्चन है, रेड स्टोन टॉर्सो कौन से साइड में मिला है, तो कहाँ मिला है, हड़प्पा में मिला है, ठीक है। धड़, टॉर्सो मतलब होता है धड़, और इसकी खोज किसने करी थी, दयाराम सैनी ने, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ बिल्डिंग प्रैक्टिस होती थी, ठीक है, सिमेट्री वाली, और ऐसे में एक होती थी कि इंसान के आसपास ऐसे बाउंड्री कर देते हैं और उसमें उसकी बॉडी को हल्का सा पिट होल की तरह दफनाते थे, ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट, मोहनजोदारो के फाउंडर कौन थे, फाउंडर आर डी बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदारो की खोज करी थी 1922 में, और कौन से रिवर के किनारे, इंदस रिवर, और इसी को माउंट ऑफ डेड बोला जाता है। सेकंड इन द साइड ग्रेट ग्रीनरी, पशुपति से सेम मिली है, ब्राउन डांसिंग गर्ल, ऐसा बोलते हैं कि डांसिंग कल्चर बहुत होता था, एक डांसिंग गर्ल मिली है ब्राउन्स की, ठीक है, देखो इसने आंख के अंदर सारे कड़े खुल रखे हैं, डांस करते थे इतने, पूरा हाथ भरा रहता था इनका, ठीक है। बियर्डेड मैन मिला है जिसको प्रीस्ट किंग बोला गया, ठीक है। सिलेंड्रिकल चीज मिली है, ग्रेट बात यहाँ मिला है, रिचुअल जो फॉलो करते थे, ठीक है। इसके ऊपर एक मूवी बन रखी है, वो जरूर देखना, जिसको बोलते हैं मोहनजोदारो, एक मूवी है, वो जरूर देखना, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीजें मिली हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट, तो इन चीजों को जरूर ध्यान में रखा जाए। एक सेकंड, फिर आते हैं आपके एसर राव, जिन्होंने लोथाल की खोज करी है। सॉरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। लोथाल में आपका मिला है फायर अल्टार्स, जहां पर रिचुअल्स करे जाते थे बेसिकली, और ये गुजरात में लोथाल, ठीक है, गुजरात में, और क्या है, पोर्ट सिटी, इसलिए यहाँ पर आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला है, ठीक है, जहाँ पर जहाजों को डॉक करा जाता था बेसिकली, छोटे मोटे जो लकड़ी के बनते थे, इनको लोबे वाले जहाज से कंपेयर मत करना। अब आ गए हम थ्योरी ऑफ डेक्लाइन में, इंदस वैली सिविलाइजेशन की थ्योरी ऑफ डेक्लाइन क्या बोलती है, ऐसा मानना था, ठीक है, आर्यंस की थ्योरी बताते हैं, बट इसमें जो मेजोरिटी थ्योरी दी जाती है वो बोलते हैं कि नेचर की वजह से डिस्ट्रॉयड हुआ था, फ्लड आया था, देखो लिखा भी है, अ रीसेंट फाइंडिंग टाइटल न्यूलॉजिकल क्लाइमेट एनोमलीज एंड द हड़प्पन मेटाफॉर्मेसिस डन बाय द इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट हैज सजेस्ट, इंटरनेशनल टीम की रिसर्च हुई उसमें पता चला, हैज सजेस्ट क्लाइमेट चेंज द पॉसिबल रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंदस वैली, और इसी की वजह से लोग आज जो, अगर आपका मैं एक छोटा सा मैप बनाऊ, ये पूरा इंदस वाला एरिया था, यहाँ से माइग्रेट होकर कहा लोग गंगा डोमल एरिया में आ गए, ठीक है, जब आर्यंस आए, कोई लोग आर्यंस की भी थ्योरी देते हैं। चेंजेस इन टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मानसून, बारिश की वजह से बहुत बड़ा तूफान आया, नदी उफान पे आ गई, तो बहुत लोग मर गए, और ड्राइंग ऑफ द घाघरा नाघरा रिवर, यहाँ पर जो राजस्थान में, यहाँ पर एक रिवर बहती थी घाघरा नाघरा रिवर, जिसमें सरस्वती भी थी, बोलते हैं वो ड्राई हो गई थी, सूख गई थी इस वजह से, और इसी की वजह से क्या होता है, पूरा एरिया क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, और पूरी सिविलाइजेशन का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने यहाँ पूरा सिलेबस कंप्लीट करा, हमने पूरा टॉपिक खत्म करा, यहाँ पर ऐसे करके मैं आपको सारा खत्म करवाऊंगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को मजा आया हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।